तो मैं आज ये दीनी इजलास में यहाँ बोलना, मैं ये ऐलान करता हूँ और बोलता हूँ, जिनको जितना पॉलिटिक्स करना है कर ले, जिनको एमएलए एमपी बनना है बन ले। मैं कल भी बिल के खिलाफ था, आज भी बिल के खिलाफ हूँ और कल भी रहूंगा। मैं पार्टी में रहकर पार्टी पर अपना दबाव बना रहा हूँ। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सदर जलसा जलसे में तशरीफ़ फरमा उलमा इकराम हज़रात, मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, यहाँ तशरीफ़ फरमा बहादुरगंज सताल से एहतशाम मंजूम साहब, भाइयों और दोस्तों, पाकिज़ा माँ और बहनों, मैं कोई आलिम नहीं, वैसे मुझे बहुत कम ही देखा गया कि जलसा जो दीनी तकरीब होता है उसमें मैं अपना वक्त, जो अलमाई कराम हजरात होता है उनको मैं अपना वक्त दे देता हूँ। यहाँ पर एक से एक अलमाई कराम हजरात तशरीफ फरमा है, उनके सामने में मैं और अगर दीन और हदीस की बात करूँ तो ये सूरज को चराग दिखाने के बराबर होगा। लेकिन जलसा वालों ने मुझे 5 मिनट 10 मिनट का जो वक्त दिया है, तो आज जो मुल्क के हालात हैं इस मौजू पर मैं कुछ बातें आप सब के दरमियान जो ज़रूरी हैं मैं समझ रहा हूं, मैं उनको रख देता हूं। अभी जो मुल्क के पार्लियामेंट, लोकसभा और राज्यसभा से एक बिल पास हुआ है, सीएबी, जिसमें शॉर्ट में नाम है सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल, नागरिकता संशोधन विधेयक। इससे पहले देश में नागरिकता के लिए कानून था, सिटीजनशिप एक्ट 1955, देश आजाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, फिर 26 जनवरी 1950 को देश का अपना संविधान कानून कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ। लेकिन नागरिकता सिटीजनशिप के लिए जो है देश का जो है कानून सिटीजनशिप एक्ट 1955 में बना, उस एक्ट में एक धारा है जिसके तहत ये था कि अगर कोई भी विदेशी जो भारत में आकर शरण लेते हैं, यहाँ पर अगर 11 साल तक वो यहाँ रहते हैं, उसके बाद अगर वो यहाँ नागरिकता के लिए अर्जी देते हैं, सिटीजनशिप के लिए दरखास्त देते हैं, तो उसको भारत की नागरिकता दी जाएगी। लेकिन अभी की मौजूदा सरकार ने उस एक्ट में तरमीम करके, संशोधन करके, उसमें एक क्लाउज जोड़ा है, उसमें ये जोड़ा है कि अगर कोई भी आदमी जो बांग्लादेश, पाकिस्तान, आपको अफगानिस्तान, तीन जो मुस्लिम ममालिक है, वहां पर जो 6 माइनॉरिटी कम्युनिटीज हैं, जैसे मुसलमान इस देश में माइनॉरिटी है, उसी तरह अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश में हिंदू, सिख, ईसाई, जैन, बुद्ध, पारसी माइनॉरिटीज हैं, उसको अगर कोई धार्मिक आधार पर कोई परेशान करता है, कोई टॉर्चर करता है, तो वो अगर भारत में शरण लेता है और 31 दिसंबर 2014 से पहले वो भारत में शरण लिया है और 6 साल यहाँ रहने पर उन लोगों को नागरिकता दी जाएगी। इस बिल के विरोध में बहुत लोगों ने अपनी राय रखी कि जो संविधान का जो एक धारा है, आर्टिकल है, आर्टिकल 14, जिसमें सभी धर्म जाति को बराबरी का है, राइट टू इक्वलिटी का हक है, उसके विरोध में है। ये बिल अब संसद के दोनों सदनों से पास हो गया है और अब ये राष्ट्रपति की भी मोहर लग गई, अब ये कानून बन गया। अभी जो है माइनॉरिटीज में और दूसरे जो समाज के दबे कुचले हैं, इस बिल को लेकर बहुत परेशान है, बहुत ज्यादा। अभी आप देख रहे होंगे नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, जो असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर, नागालैंड, इन जो नॉर्थ ईस्ट रीजन है हिंदुस्तान का, वहाँ के गैर मुस्लिम भाई भी इस बिल के विरुद्ध में आप देख रहे होंगे कि बहुत ज्यादा उग्र आंदोलन कर रहे हैं। तो उनका हिस्सा, उनका कंसर्न ये है कि इससे पहले जो असम में जो विदेशियों को
बाहर निकालने के लिए एक असम एकॉर्ड बना था 15 अगस्त 1985 को, उसके तहत ये तय किया गया था कि 24 मार्च 1971 तक जो बांग्लादेश में आए हैं, चाहे वो हिंदू हो मुस्लिम हो, उसको यहाँ की नागरिकता दी जाएगी। उसके बाद जितने भी आए हैं उनको बाहर निकाल दिया जाएगा, जिसके तहत वहाँ NRC लागू किया गया। NRC में वहाँ 1600 करोड़ रुपए खर्च करने के बाद जब उसका लिस्ट अभी अगस्त 2019 में पब्लिश हुआ, उसमें 19 लाख लोगों का की शहरियत सिटीजनशिप नागरिकता वो संदिग्ध पाया गया उसके रजिस्टर में नहीं। उस 19 लाख में से 14 लाख लगभग हिंदुओं के नाम थे और 5 लाख मुसलमानों के, जबकि इससे पहले जब NRC लाया गया तो ये कहा जा रहा था कि इसमें सब ज्यादातर मुसलमान ही बांग्लादेश से आए, लेकिन उसका रिजल्ट उल्टा हो गया। अब जो ये डेडलाइन 24 मार्च 1971 से बढ़ा के 31 दिसंबर 2014 कर दिया गया है, तो वहाँ के लोगों को लग रहा है कि हम इस मुल्क के नागरिक हैं, हमको रोजगार नहीं है, हमको अवसर नहीं है, ये विदेशों जिससे जो लोग आए हैं उनको अगर यहाँ की शहरियत मिल जाएगी तो हमको जो है नागरिकता, हमको यहाँ के जो लोकल हमारे जो ओरिजिनल नागरिक हैं उनको जो है बहुत आगे उनका जो सभ्यता कल्चर है वो खतरे में आ जाएगा, हम लोग माइनॉरिटी में आ जाएंगे। इसी के लेके असम में इतना जोरदार आंदोलन चल रहा है जिसमें अब तक 4 लोग मारा गया, वो सब गैर मुस्लिम लोग हैं। लेकिन अभी इस बिल को लेकर के जो है बहुत तरह का अफवाह फैलाया जा रहा है। आपको मालूम होगा मैं JDU का रुकन असेंबली हूँ और JDU ने इस बिल का जो है समर्थन किया था लोकसभा और राज्यसभा में, लेकिन मैं अपने पार्टी लाइन से हटकर सबसे पहले मैं इस बिल के खिलाफ मैं बोला, पहले भी 1 दिसंबर 2019 को इसी महीने के 1 तारीख को दिल्ली के बाटला हाउस पहलवान चौक में किशनगंज सीमांचल के नौजवानों द्वारा AMU सेंटर किशनगंज पर एक सभा का आयोजन किया गया था, वहां पर मुझे बोलने का मौका मिला। वहां भी मैंने सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल और NRC के खिलाफ बोला। फिर पत्रकार जब मुझसे सवाल किए तो उसके बाद भी बोले। उसके बाद जो है फिर 5 दिसंबर 2019 को 4 दिन बाद AMU के VC से मिलने के बाद वहां भी पत्रकार और हमारे इलाके के जितने बच्चे वहां AMU में पढ़ते हैं वहां भी मैंने अपनी राय सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल और NRC के खिलाफ में रखी। जब बिल पास जिस दिन लाया उस दिन से मैं पार्टी के अंदर में रहकर विरोध कर रहा हूं। अभी मैं खुद पटना से आ रहा हूं, पिछले 3 दिनों से बहुत सारे लोग इस बिल का विरोध कर रहे हैं। हम लोगों ने मुख्यमंत्री से बात की, हम लोगों को यकीन दहानी कराया कि हम बिहार में किसी कीमत पर NRC लागू नहीं होने देंगे। वो अलग अलग जितने भी मुस्लिम तंजीमें हैं उनके साथ बात कर रहे हैं, वो बहुत जल्द इसका आज जो है उनके मंत्री अशोक चौधरी ने घोषणा किया। 2 दिन पहले हम लोग मिले थे प्रशांत किशोर जो पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है, जिन्होंने बिल के खिलाफ में शुरू से बोला, वो भी कल 2 घंटा मीटिंग करने के बाद बोले कि बिहार में NRC लागू नहीं होगा। तो मैं आज ये दीनी इजलास में यहाँ बोलना मैं ये ऐलान करता हूँ और बोलता हूँ, जिनको जितना पॉलिटिक्स करना है कर ले, जिनको MLA MP बनना है बन ले, मैं कल भी बिल के खिलाफ था, आज भी बिल के खिलाफ हूँ और कल भी रहूंगा। क्या कर रहे हैं, मैं पार्टी में रहकर पार्टी पर अपना दबाव बना रहा हूँ, सबका अपना अपना, यहाँ के लोग हैं, ये लोग विरोध कर रहे हैं नॉन वायलेंस तरीके जो गांधी जी का तरीका है उस पर रह करके बिल के खिलाफ में लोग आंदोलन चला रहे हैं, मैं उनका समर्थन कर रहा हूँ। और जो पत्रकार बंधु है निहाल साहब जैसे लोग हैं, ये राइटर हैं, ये अपना कलम तोड़ के बिल के खिलाफ में लिख रहे हैं, जो वकील है बैरिस्टर है वो सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई लड़ेंगे, मैं पार्टी में रहकर लड़ाई लड़ रहा हूँ। मैं MLA रहूँ नहीं रहूँ मैं, लेकिन मैं खिलाफ था हूँ रहूंगा, मैं हमेशा यहाँ के आह्वान के लिए रहूंगा। मुझे कोई MLA बनने का शौक नहीं। आप लोग गौर करें कि आप लोग ने जिस जज्बे जिस इरादे जिस नेक
मुझे जो है चुना है, मैं अगर एक सेकंड भी बेईमानी करूं तो मेरी नाव वहीं पर गर्क हो जाए। आप सब लोग दुआ करें कि इस मुश्किल हालात में सबको, ये देश का सिर्फ मुसलमानों का सवाल नहीं है, ये सब सेकुलर लोगों का है। जितने मुसलमान लोग विरोध कर रहे हैं उससे ज्यादा हिंदू भाई हम इसका विरोध कर रहे हैं। आज कल सुप्रीम कोर्ट में 11 रिट पिटीशन दाखिल होगा, हुआ है अब तक 12। और आपको जानकर ताज्जुब होगा कि 12 में 11 रिट पिटीशन हमारे हिंदू भाइयों ने इस बिल के खिलाफ में दाखिल किया है। और एक इसलिए हम लोग साफ हैं और जहां तक जो करना होगा हम लोग करेंगे। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बातें खत्म, और कोई अगर बेहद भी गलती हुई है तो माफ करेंगे। माशाल्लाह, इन बातों पर दम है और मैं वादा करता हूँ कि ये सच बयान दिए। माशाल्लाह, बहुत बहुत मुबारकबाद एमएलए साहब, आपने जिस नमाखों से आपने इस बात को रखा, ये गांव एक जिंदा मिसाल है। इंशाल्लाह ये आपके एक ईमान के तकाजे ने जो आवाज दिया है। आज थोड़ी देर पहले मेरे घर में भी इंटरव्यू दे रहे थे, मैंने भी यही सवाल किया, बल्कि एक हफ्ता पहले मेरी लगातार रोजाना 11 बजे रात को मेरी बात हो रही है। मैंने कहा भी कि मैं पटना जा रहा हूँ, मैं भी मुख्यमंत्री से मिलना चाहता हूँ, अपनी दरख्वास्त करना चाहता हूँ। ये बहुत बड़ी बात है, इस इंसान के अंदर अल्लाह ने की खूबी दिया है, ये काम करता है, काम ऐलान करता है। आज जब एक जलसे से ने इस बात को बोला तो हम भी शहादत हैं। अगर बिल के खिलाफ आप रहे यकीनन हम सब आपके साथ हैं, और अगर बिल के समर्थन में रहे आए तो मैं भी ऐलान करता हूँ हम सब आपके खिलाफ हैं। मैं आपका खैर मकदम करता हूँ, और इस लफ्ज को जो आपने इस जलसे में कहा यकीनन काबिल तारीफ है, आपके इसको मैं स्वागत करता हूँ और इस जलसे की तरफ से सलाम करता हूँ। रानी वाले की तरफ से नहीं बल्कि पूरे इंडिया की तरफ से मेरा विधानसभा रहने की वजह से आपका खैर मकदम इस्तकबाल करता हूँ। बहुत बहुत मुबारक।